औरों का भी हित हो जिसमें, औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ कमी है उसको भरना हमारी जिम्मेदारी है, जहाँ अभाव है उसको पूरित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। औरों का भी हित हो जिसमें, हम ऐसा कुछ करना सीखे। ये श्रीमद देवी भागवत कथा जो है अपने हित के लिए नहीं है, ये सर्व हित के लिए, सर्व सुख के लिए, सभी जनों के लिए, पूरे समाज के कल्याण के लिए, सभी के सुंदरता के लिए, सभी के मंगल और शुभ के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा यहाँ उतरी है। ये देवी की कृपा यहाँ उतरी है, ये देवी की अनुकंपा यहाँ। ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये मुरारी लाल जी के लिए या किसी कमेटी के सदस्य के लिए या मंडल की व्यक्ति के लिए या जीर्ण माता भक्त मंडल के अपने स्वार्थ के लिए, ये सर्वहिताय सर्वजन सुखाए के लिए माँ भगवती की कृपा उतरी है। इसको कहते विस्तारिक दृष्टि, जो सबके सुख के लिए, सबके कल्याण के लिए चिंतन कर सकते हैं, जिसमें केवल मेरा ही भला हो ये दृष्टि नहीं है, जिसमें सबका हित हो ये दृष्टि है। कोई अनपढ़ है तो इसमें उस बालक की कमी नहीं है, इसमें कमी है उस व्यक्ति की जो तमाम तिजोरियों में धर कर बैठे हैं और बालक तमाम अशिक्षित घूमते हैं। यदि कोई भूखा तड़प कर मरता है तो उस व्यक्ति का, उस बालक का दुर्भाग्य नहीं है, ये दुर्भाग्य समाज के उन धनी लोगों का जो अपनी तिजोरियों में धन को बर्बाद कर रहे हैं, और उन लोगों का जो तमाम अन्न को बर्बाद कर रहे हैं।